नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज। यहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज। अभी मैं रामनगर के अम्बेडकर चौक पर मैं मौजूद हूँ और देख सकते हैं यहाँ पर इतना भीड़ लगी हुई है कि चारों तरफ रास्ता बंद है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो यहाँ के पुलिस प्रशासन है यहाँ पर मौजूद नहीं है। और तीसरी बात यह है कि चीन मिल भी चालू है और इसमें इतना भीड़ है कि आदमी कुछ कह नहीं सकता। हालांकि देख सकते हैं कि दुख की बात यह है कि यहाँ पर रामनगर ट्रैफिक पुलिस नहीं है। देखिए, हमारे अभी अभी पुलिस अधिकारी जो है, गार्ड साहब हमारे आए हैं। शायद अगर होते पहले तो बंद नहीं होता। क्या कहेंगे सर? सर क्या कहेंगे सर? हेलो सर, जाम है सर। सर उधर है, जाम छोड़ो। किसकी जिम्मेदारी है सर? जाम छोड़वाने दीजिए हमको। देख लीजिए, अब खुद आप देख लीजिए, सिर्फ दो पहिया वाहन जा रहे हैं, बाकी चार पहिया पूरा ऐसे की जैसे लगा हुआ है। ये यहाँ पर टोटल पीछे विद्यालय का बस है और हाईवा है। और सबसे दुख की बात यह है कि यहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं है। अगर गार्ड होता तो ये दिन देखने को दुख ये नहीं पड़ता। और आइए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो हमारे जो छात्र हैं जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, किसको जिम्मेदार आप डालेंगे? किसको बताएंगे सर, ऐसे ही जाम लोग जा रहे थे, क्या करें? प्रशासन को टाइट रहना चाहिए, उसको प्रशासन को टाइट रहना चाहिए। हालांकि ये देख सकते चीनी मिल, क्या बोलेंगे सर इस, क्या बोलेंगे जाम को लेकर? बहुत ज्यादा चीनी मिल से लेकर के परेशानी है। किसको जिम्मेदारी आप ठहराएंगे? क्या कहेंगे सर? यहाँ कोई प्रशासन ही नहीं है यहाँ पे। अगर कोई एम्बुलेंस इमरजेंसी में आ जाए तो क्या कहेंगे? मर जाएगा आदमी। किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन की। प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और किसकी होगी? बहरहाल आप देख सकते हैं सिर्फ दो पहिया वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाकी चार पहिया वाले वाहन पूरे बंद है, ठप है, रुक चुके हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से वहां तक पूरे नरकड़ियागंज जो रोड है पूरा बंद है। सर क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में सर आप? हाँ, नरकड़ियागंज पूरा बंद है। कोई इमरजेंसी अगर केस आ जाए एम्बुलेंस तो मर जाएगा। किसकी जिम्मेदारी होगी? किसकी जिम्मेदारी होगी? क्या बोलेंगे सर, ये भीड़ है इतनी, किसको जिम्मेदारी आप ठहराइएगा? सरकार का और किसको? हालांकि यहाँ पर लोग भी नहीं है, क्या कहेंगे सर आप? उपेंद्र कुशवाहा जी का चल रहा है गांधी जी के धरती से, लेकिन गांधी जी का फोटो देखिए कहाँ है। देख सकते हैं पूरा बंद है। ये मैं रामनगर बात कर रहा हूँ, ये वही अम्बेडकर चौक है जहाँ पर लोग बड़े बड़े आकर भाषण देते हैं। और ये चीनी मिल भी चालू है और इसलिए यहाँ पर पूरा भीड़ लगी है। आइए आइए, कैमरा मैन दिखाइए, देख सकते हैं ये विद्यालय का वाहन है और टोटल इनकरेजमेंट है। इतनी डिफिकल्ट कठिनाई है कि लोग कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बड़ी बड़ी चार चक्के वाले वाहन लगी है। हेलो, क्या बोलेंगे सर, इतनी भीड़ है अभी, इसके बारे में आप किसको जिम्मेदार ठहराइएगा? अरे पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएंगे, किसको ठहराएंगे? प्रशासन तो कह रही है कि हम है यहाँ पर, लेकिन अब तो फिर भीड़ कैसी? रहने से कोई मतलब नहीं है प्रशासन का। ये लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक के हिसाब से लोग गाड़ी छोड़ते नहीं है, प्लस में वो चारों तरफ से गाड़ी छोड़ देते हैं। एक हमारे यहाँ पर महिला है, मैम क्या बोलेंगी, यहाँ पर इतनी भीड़ है? भीड़ इसलिए है क्योंकि हमारे सरकार द्वारा कोई काम नहीं होता है, ना कोई अधिकारी काम सुनता है। आप कौन है? आप कौन है? मैं जदयू का नेता हूँ, मैं नगर आदि। कहाँ है आपके लोग, आपके नेता कहाँ है? आप लोग अभी कहाँ है? जनसेवा के बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है फिलहाल, ये भी आप देख लीजिए सर, क्या बोलेंगे आप? भीड़ है इतनी, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। क्या कहिएगा आप? आधा घंटा से लाइन में लगे हुए हैं। आधे घंटे से ये आप लोग का कहना है कि आधा घंटा से पूरा इनकरेजमेंट है, आदमी मर जाएंगे। मर जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी किन की होगी? अरे जो नेतागण के जो एक रैली निकली है यहाँ से, लोग तो जा रहे हैं। फिलहाल सर किस पर्पज से आप सर यहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं बागा। हाँ, क्या करने? क्या करने गए थे रैली में? किस पार्टी का है सर ये? सुरेंद्र कुशवाहा का है। क्या कहेंगे आप, इतनी भीड़ है यहाँ पर? देख नहीं रहे, सब एक लाइन नहीं चल रहा है सर, बहुत एक जाम पब्लिक को दासा हो रहा है, गन्ना का लोड होके जा रहा है। क्या कहेंगे आप, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? ये नीतीश कुमार को हम जिम्मेदारी करेंगे सर। वो आगे थोड़ी साफ करेंगे यहाँ पर, तो पुलिस तो अपना पुलिस जो पुलिस भी बा वही अधिकारी है जो यहाँ पर आके सुरक्षित करेगा। देखिए पब्लिक को कितना भीड़ है, टोटल बंद पड़ा हुआ है अभी। ये दिखाइए सर, हेलो हेलो, यहाँ पर दिखाइए, ये समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी कहाँ से कहाँ निकले। और ये भी देख सकते हैं, हमारा सबसे दुख की बात यह है कि हमारा जो रामनगर का ये पुल टूट जाए तो पूरा रामनगर बंद हो जाएगा, एक तरफ पूरा बंद हो जाएगा। सर क्या बोलेंगे आप?
हाँ ये तो सिंचाई विभाग का गवर्नमेंट के कहना चाहिए जो इसको डबल पुल बनवा दे। भीड़ है कि आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? गवर्नमेंट को, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जी को। बहरहाल आइए आइए और लोगों से। सर क्या बोलना चाहेंगे, इतनी भीड़ है, किसको जी आप जिम्मेदार ठहराएंगे? इधर इधर, यहाँ का जो लोकल प्रशासन है उसकी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी अपने पूरी तरह से निभा नहीं पा रहा, जिसका कारण है कि जाम फंसा हुआ है। बताइए, यहाँ घंटों लोग जाम में लगा हुआ है और कोई भी नहीं है यहाँ पर, कोई प्रशासन नहीं है यहाँ। होना चाहिए हर हाल में और व्यवस्था देखना चाहिए। लोग चार चार घंटा से लाइन में लगे हुए हैं, यह प्रशासन का पूरी तरह से प्रशासन विफल है यहाँ। एक सर आपसे सवाल है, हमारे आपका आसपास के लोगों का कोई भी अगर पेशेंट जाता है इमरजेंसी में तो अगर वो तो इसकी हालत क्या होगी? इस भीड़ में मर जाएगा, यही जाम में फंस के मर जाएगा। किसको जिम्मेदार आप ठहराएंगे? एकदम यहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो वही जिम्मेवार है। जिम्मेवार है और भी चाहेंगे, मैं चाहूंगा कि और लोगों से आपको मिलवाऊं, इतनी भीड़ है। क्या कहना चाहेंगे, किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे यहाँ का प्रशासन का? और देखिए सब यहाँ लोग, अगर इमरजेंसी में कोई केस आए तो क्या? इमरजेंसी गाड़ी वहाँ तो खड़ा थी भीड़ में, एकदम बेचारा वो अपना जिंदगी मौत की तमन्ना कर रही थी। वहाँ कोई पीछे गाड़ी है इमरजेंसी, पीछे है तो, अच्छा तो उसकी क्या, उसी की हालत होगी? कि वो निकले आगे बढ़े। आइए आइए, हम यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पर मिलवाएं। सर अभी रामनगर में इतनी भीड़ है, क्या कहना चाहेंगे, इस पर जाम है? हम तो सर यही कहना चाहेंगे कि सरकार की जो है इस पर निगरानी रखनी चाहिए यहाँ, क्योंकि सीजन चलता है उस समय इतना भीड़ हो जाता है ट्रेलर ट्रैक्टर टायर से और प्लस आम जनता की गाड़ी से। किसकी जिम्मेदारी है इसमें? ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए, यहाँ की भी पब्लिक डीएम को भी होना चाहिए। क्या कहेंगे सर, अभी इतना भीड़ है, इसको भीड़ तो नहीं हम लोग जाम बोलेंगे, अगर फंस जाए तो कोई इमरजेंसी केस है तब क्या होगा? क्या होगा पूरा खुल के बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब जनता है चल रहे। बहरहाल आइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ से ओवर ब्रिज है, दिखा दूँ यहाँ पर कितना भीड़ है फिलहाल। चलिए सर दिखाइए, आप टोटल दिखाइए दृश्य, ये मैं चाहूँगा। देखिए देख सकते हैं आगे बस लगी है और ये बोलेरो जा रहा है, ये किसी, क्या कहेंगे सर इसके बारे में आप? बहुत भीड़ है, प्रशासन में कमी है, रोड बस और ठेला लोग लगा दिए हैं, सब्जी बेचने वाला प्रशासन ठेला नहीं हटा रहा है तो भीड़ नहीं लगेगा। जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की जिम्मेदारी, ठेला हट जाएगा तो। क्या कहेंगे सर आप, इतनी भीड़ है? भीड़ तो है सर, जाम है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कहेंगे, हम तो गाड़ी चला रहे हैं, जाम है तो चला रहे हैं। कहीं खराब गैस आ गया तो है? कहीं इमरजेंसी आया तो क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे इसके बारे में? व्यवस्था सही होनी चाहिए रोड में। किसको जिम्मेदार ठहराइएगा? जो हमारा शासन है उसको ठहराएंगे। चलिए तो आखिर में हम देखते हैं, आखिर में कहां गए, चाहे उपसभापति, चाहे सभापति, चाहे हमारे ईओ महोदय, कि आखिर में इतनी भीड़ है। बहरहाल मैं चाहता हूँ इस खबर को देखने के बाद वो कोई सख्त कदम उठाए, जिससे आए दिन यहाँ पर इनको जो आपका सबसे बड़ी भीड़ जाम होती है सड़कें, उसको बंद किया जाए और लोगों को सुचारू रूप से यहाँ पर आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। आप खबर देखने के लिए बने हमारे चैनल पर। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, रामनगर।